विधायक गणेश नाइक ने कोपरखैरने में किया विकास कार्यों का शुभारंभ। सायली नारायण शिंदे के प्रभाग 37 में बनेगा जॉगिंग ट्रैक और उद्यान। लोक नेता गणेश नाइक ने आज कोपरखैरने के प्रभाग 37 में निवर्तमान नगर सेविका सायली नारायण शिंदे द्वारा प्रस्तावित जॉगिंग ट्रैक, उद्यान तथा अन्य नागरिक कार्यों के विकास का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक संदीप नाइक, समाज सेवक नारायण शिंदे समेत कई बीजेपी पदाधिकारी मौजूद थे। कोपरखैरने सेक्टर 1 से 4 के बीच विकसित होने वाले इन नागरी सुविधाओं के लिए स्वयं संदीप गणेश नाइक ने अपनी विधायक निधि प्रदान की थी, जिसका उद्घाटन करते हुए पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने सायली नारायण शिंदे के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास के लिए सदैव मेरा साथ दिया है और इन्हीं विकास कार्यों के दम पर जनता फिर बीजेपी प्रत्याशियों को जिताएगी और मनपा में बीजेपी का ही फिर महापौर बैठेगा। प्रभाग की नगर सेविका सायली जी शिंदे और उनके पीछे ताकत देने के लिए खड़ा हुआ नारायण जी शिंदे, इनके माध्यम से आमदार, भूतपूर्व आमदार, मैं बोलता हूँ कि मतलब ऐरोली मतदार संघ के प्रथम आमदार संदीप नाइक के निधि से यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक का निर्माण हुआ, बच्चों के लिए कुछ खिलौने यहाँ पे वापस टैबिट कर दिए, तो वो कार्यक्रम जनता के लिए लोकार्पण करने का था। अभी सायली शिंदे ने खाली आज के लिए काम नहीं किया, सायली शिंदे ने जब कोरोना का कालखंड शुरू हुआ तो लोगों के घर में अनाज देना, लोगों को मास्क देना, सैनिटाइजर देना, गोली देना, कोई ऐसा कुछ बीमार हुआ तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, बुजुर्ग हो या बच्चा हो, हिंदू हो या मुसलमान, बुद्ध, क्रिश्चियन, जैन, सिख, वो महाराष्ट्रियन हो या नॉन महाराष्ट्रियन हो, गांव वाला हो या बाहर वाला हो, सभी की ओर एक ही निगाह देखते हुए सायली शिंदे ने इस इलाके में काम किया। यहाँ पे सीसीटीवी का प्रस्ताव रखा है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड स्टेशन उनके कहने से बन गया, अभी मार्केट की उनकी डिमांड है वो भी पूरी हो जाएगी। संदीप नाइक का निधि जैसा इस प्रभाग के लिए यूटिलाइज हुआ, मैंने वादा किया है कि किसी कारण मैं यहाँ का विधायक बना तो गणेश नाइक के प्रभाग यानी जो आमदार निधि का भी कई हिस्सा सायली शिंदे के वार्ड को दिया जाएगा। जो लोगों के विषय हैं, जो युवा लोगों के हैं, महिलाओं के हैं, बच्चों के हैं, बुजुर्गों के हैं, सभी सब्जेक्ट में हाउस में सायली शिंदे ने उसके लिए मांग की है। जब जब प्राइवेट में जब कभी मतलब सिस्टम मंडल के साथ में मीटिंग हुई तब मांग की है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे समझदार जो सोच समझ के लोगों के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों के पीछे जनता का प्यार रहता है। जनता के प्यार के बलबूते पे पिछले कालखंड में भी वो चुन के आई थी, आगे चल के भी चुन के आएगी, वो नारायण शिंदे खड़ा रहा तो भी चुन के आएगा, सायली शिंदे खड़ी रही तो भी चुन के आएगी। ये जनता के प्यार की ताकत है। पिछले 25 साल 1995 से लेके 2020 तक गणेश नाइक को देखते हुए इस जनता के पार्टी तो है, पार्टी का महत्व कोई कम नहीं करता, लेकिन 95 से लेके 2020 तक 25 साल के लिए महापौर जो गणेश नाइक ने सुझाए वो लोग बन गए। आज की तारीख में बोल रहा हूँ, मैं कि विनम्रता के साथ बोल रहा हूँ कि जो जनता का प्यार, जनता का रुख है वो देखते हुए भाजपा का ही महापौर बनेगा, उसमें कोई अहंकार की बात नहीं, ये सत्य है और ये जनता के दिल से ये बात आ रही है। ये बोलते टाइम में मैं अहंकार से किसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ये जनता का प्यार और जनता का विश्वास का प्रतीक मैं बोल रहा हूँ। वहीं पूर्व नगर सेविका सायली शिंदे और
समाज सेवक नारायण शिंदे ने प्रभाग 37 के विकास के लिए अपनी विधायक निधि देने वाले पूर्व विधायक संदीप नाइक और लोक नेता गणेश नाइक के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रभाग 37 की जनता की सेवा के लिए हर समय तत्पर हैं। प्रभाग 37 में स्वयं लोक नेता गणेश नाइक के आने पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि जनता को विकास का बड़ा दिलासा मिला है। यहाँ उद्यान और जॉगिंग ट्रैक विकसित हो रहे हैं, जिसका सीधा लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। आज 1-4 उद्यानामध्ये ऐरोली मतदारसंघाचे प्रथम आमदार माननीय श्री संदीपजी नाईक साहेब यांनी जो आमदार निधी टाकला त्यातून जे जॉगिंगचं काम झालं, जॉगिंग ट्रॅकचं, त्याचा आज लोकार्पण सोहळा झाला। आणि तुम्ही कोपरखेडातला हा म्हणजे सगळे सेक्टर बघितले असतील तर इथे आता स्टक झाला आहे पूर्ण एरिया, इथे डेव्हलप होण्यासारखं काही नाही। आणि अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा अशी वास्तू बनते तर ते नागरिकांना किती चांगलं वाटत असेल याचा तुम्ही अंदाज घेतला असेल। आज तुम्ही गार्डनमध्ये महिला मुलं किंवा ज्येष्ठ फिरताना बघितले, बसताना बघितले, कारण आज गार्डन तसं आहे, काही छोट्या कारणासाठी गार्डनचं बाकीचं काम जे होणार आहे ते देखील थोड्या दिवसात नक्कीच होईल। आणि माझ्या प्रभागाविषयी सांगायचं झालं तर संपूर्णतः कंडोनियम असलेला हा प्रभाग आहे, जिथे 2015 शासनाच्या जीआरनुसार कंडोनियम अंतर्गतची कोणतीच कामं होत नव्हती, पण तरी देखील त्यावेळच्या आमदार संदीपजी नाईक साहेब यांच्या माध्यमातून त्यांच्या मदतीनं शक्य तितकं आम्ही लोकांच्या अडचणीत उभं राहायचा प्रयत्न केला आहे। म्हणजे आतील जे सिवरेज लाईन होत्या त्याची कामं पालिकेतर्फे होत नव्हती, चौक बनत नव्हते, तरी देखील साहेबांच्या माध्यमातून आमच्या माध्यमातून स्वखर्चातून जितक्या गोष्टी करता आल्या, जितक्या शक्य होत्या तितक्या आम्ही करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे। हे जो जॉगिंग ट्रॅक का उद्घाटन आज माननीय लोकनेते नवी मुंबई के शिल्पकार माननीय गणेशजी नाईक साहब के हस्ते से हुआ कि हम हमारे प्रभाग में साहब आ गए ये भगवान आ गए ऐसा हो गया है। हमने काम किया है, जनता का हमने काम किया है, जनता जानती है। हमने बहुत अभी जो कुछ अभी जो जॉगिंग ट्रैक है, ये गार्डन का जो बाजू का स्वच्छता अभियान है, बहुत कुछ काम किया है। जो पब्लिक है यहाँ की, जो जनता है, आप उनसे पूछो कि उनको खरी जरूरत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।